फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 शुरू होने में भी काफ़ी समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2020 का ऑक्शन यानी नीलामी अब जल्द शुरू होने वाली है। और इस नीलामी से पहले करंटली आरसीबी के लिए दो बड़ी समस्याएं निकलकर सामने आई है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कौन सी दो बड़ी समस्याएं आरसीबी के सामने निकलकर आई है और आरसीबी की टीम इन समस्याओं का क्या सोल्यूशन करने वाली है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीज़न, तो नीचे का लाइक का बटन दिया उसको जरूर दबा दें और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आरसीबी की सबसे पहली समस्या की। तो आईपीएल 2020 की नीलामी अब जल्दी शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले आरसीबी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इनके पर्स में केवल 1.85 करोड़ रुपए बचे हैं और इनको अपनी स्क्वाड में चल रही कमियां दूर करने के लिए लगभग नीलामी में 22 से 25 करोड़ रुपये ले जाने की आवश्यकता है। इतने पैसे कलेक्ट करने के लिए इस टीम को करने पड़ेंगे 8 से लेकर 10 प्लेयर रिलीज़, तब जाकर इनके पर्स में होंगे 22 से 25 करोड़ रुपये, यानी इनके स्क्वाड में चल रही कमियां दूर होना तो दूर की बात, इनके स्क्वाड में और कमियां बढ़ जाएगी जब ये टीम अपने 8 से लेकर 10 खिलाड़ी रिलीज कर देगी। यानी आरसीबी के लिए बड़ी समस्या है ऑक्शन से पहले ही खड़ी हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं आरसीबी की दूसरी बड़ी समस्या की। तो आरसीबी की टीम करना चाहती है आईपीएल 2020 के लिए रोबिन उथप्पा को ट्रेड। इसके लिए ये टीम कर रही है डायरेक्ट रोबिन उथप्पा से कॉन्टैक्ट और रोबिन उथप्पा पूरी तरह एग्री हो चुके हैं आरसीबी में आने के लिए। लेकिन समस्या यहां पे खड़ी होती है आरसीबी के लिए, क्योंकि इनके पास में केवल 1.85 करोड़ रुपए है और केकेआर ने रोबिन उथप्पा को आईपीएल 2014 में 6.4 करोड़ रुपए की बड़ी रकम में खरीदा था। यानी ये रोबिन उथप्पा की वैल्यू करंटली 6.4 करोड़ रुपए है। तो आरसीबी ट्रेड तो करना चाहती है रोबिन उथप्पा को, लेकिन इतने पैसे नहीं दे पाएगी रोबिन उथप्पा को, क्योंकि इनके पर्स में इतने पैसे है ही नहीं। और अगर रोबिन उथप्पा को प्लेयर एक्सचेंज करना पड़े रोबिन उथप्पा के लिए, तो आरसीबी का कोई की प्लेयर जाएगा केकेआर में, तब जाकर रोबिन उथप्पा आ पाएंगे आरसीबी में। यानी आरसीबी के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो चुकी है आईपीएल ट्रेड को लेकर या फिर आईपीएल नीलामी को लेकर। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इतनी समस्याओं के बाद भी ये टीम आईपीएल 2020 में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।